धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, पहला गुण साजन की सेवा जो राम समझ के करती हो, यहाँ ऐसी कितनी माता बहनाएं बैठी हैं जो अपने पति को राम समझ के सुबह शाम उनके पैर दबा देती हो, हाथ उठा के बताना एक बार। अरे हैं दो तीनों ने तो हाथ उठाए, अरे काहे को पोल खुलवा रही है, अरे बेइज्जती करवा दी ना थी कटवा दी कटी, दो चार तो हाथ उठा लेती कम से कम, झूठ ना बोलने चाहिए जब दबा नहीं ना तो काहे को वो दादा ठीक करे जो ये नहीं ना है। देखो आज के समय में ऐसा माहौल है कि घर में कोई भिखारी आ जाए ना तो लोग उसके भीख तो डालेंगे नहीं, चार बात और सुना देंगे, ए मलंगा हो रहा है करके खाने लायक हो रहा है, कमा के नहीं खा सकता। लेकिन कवि ने बताया कि अगर किसी को भीख ना डालो तो कम से कम चार बात तो मत सुनाओ। दूसरी गली में क्या बताया, हेलो हेलो हेलो, ये 100 रुपए क्या नाम भाई अरविंद अत्री 200 पंचायत को ना देवाकार मनवागढ़ी से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं अत्री जी, 100 रुपए का इनाम भी देते हैं, बार बार धन्यवाद साहब। Oh,
हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहली जो बुजुर्ग माताएं हैं, जो पहले बुजुर्ग बड़े बूढ़े हैं, उनकी आदत होया करती थी कि 4 बजे सुबह उठ जाना और 4 बजे उठ के अपने काम से लग जाना जी। लेकिन आजकल की जो नई नई बहुआ आ रही है ना, अगर 4 बजे उठने की बात कर दी ना, घर घर में लठिया तन जाएंगी। अरे मैं अपने बाप के यहाँ कभी नहीं उठी 4 बजे और तेरी माँ 4 बजे उठाती है मुझे। लेकिन जो कायदा है भाई वो तो 4 बजे उठने का, ये कोई मानो चाहे मत मानो, सारे के कॉलर पकड़ ले, खा जाए। क्यों 4 बजे ना उठूं, तू तो मैं आग लग जा, तेरी माँ में आग लग जा। मेरे तो पहले चाय वाय बना के पिला दे, जब उठूंगी माहौल बनता है। पहले तो तीसरी कली में और क्या क्या बातें लिखी है। लेकिन आजकल कोई बात कर दी ना, गांव को समा देंगी, इतनी जोर जोर से चिल्लाएंगी, है कि नहीं यही माहौल। पहली वीरवाणी जब उसका पति खाना खा लिया करता उसके बाद खाया करती थी, और आजकल की ढोर पहले ही चल लेगी, पति जाओ भाड़ में, ऐसा माहौल बन गया है आज के कलयुग में। लास्ट कली में सुनो, ऐसा तो नहीं है तुम्हारे यहाँ कोई चक्कर, हंसी नहीं है, बताओ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। चौथी कली में सुनिए क्या बताया, बताओ
सर।